बाबा के बच्चे बन के अभी भी दुख होता है अंतरात्मा को, ये क्या है? विकर्म होता है, व्यर्थ में आ जाते, वो दुख फील जो करते भोगते हैं उसका परसेंटेज कम होता जाना चाहिए ब्राह्मण जीवन में। एक साल दो साल तीन साल ज्ञान में चलते रहते हैं, कई बार कम होता नहीं, कभी बार बढ़ता है। कहते ने लोग पता नहीं ज्ञान में आने के बाद ये सारी समस्या शुरू हो गई, ऐसे कईयों का अनुभव है। अच्छा आप बताइए, सुख शांति का आपकी जो परसेंटेज बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ता है घटता है? जिसको बढ़ता है घटता है तो मतलब नहीं, वहीं रह गए फिर चार कदम आगे फिर चार कदम पीछे, तो उसका कोई यूज तो नहीं हुआ। तो इसका बहुत सुंदर तरीका है पूरा दिन अपने आप को चार्ट रखने का, और मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा लीकेज कहां पर होती है। कौन बताएंगे? हमारे प्लस को माइनस में कौन सी चीज ले जाता है? हाँ जी, क्रोध। क्रोध तो कभी कभी आता है, मन व्यर्थ संकल्प। बहुत अच्छी बात, इतने लोग हैं कि कह सकते हम कभी किसी की बुराई नहीं सुनते। हाथ उठो, न सुनाते हैं, न सुनते हैं, न सुनाते हैं, दोनों में कौन पास है? हाथ उठाओ। लो, बहुत कम है। अच्छा मुझे नहीं लगता कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती कूड़ा फेंके आके, गंदगी फेंके। कूड़ा कहाँ डाला जाता आप बताओ? कूड़ा कहाँ डाला जाता? आप घर से कूड़ा लेके जाते तो यूं 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 नहीं करते गर्दन? हाँ, यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ कूड़ा पड़ सकता। तो वो भी जो गर्दन लेके आता है ना, वो समझता ये हमारा कूड़े को स्वीकार कर, ये सुनेगा, ऐसा नहीं सुनाएगा। आप समझ लीजिए, ऐसा कभी नहीं सुनाएगा, जबरदस्ती भी नहीं सुनाएगा। अगर आपकी वाइब्रेशन उसको पहुंच गया, मैं सुन सकता हूं आपकी, मैं तैयार हूं, मैं भी आप ही का थोड़ा मिलता जुलता संस्कार में ही हूं, तो क्या हुआ? जैसे आजकल बुराई पर रिसर्च हो रहा है, नेगेटिव पे रिसर्च हो रहा है, व्यक्ति के अंदर आतंकवादी क्यों होता है, चोर क्यों होता है, तो ये सामने आता है। किसी गांव में एक चोर पहुंचता है, 8 दिन के पास उसे किसी से दोस्ती होती है। किससे दोस्ती होती है मालूम है आपको? हाँ जी, उस गांव में जो चोर होगा। ढूंढता नहीं हो, अपना आप वाइब्रेशन खींच के ले जाता। आप देखिए, जैसे लोग जैसे होते वैसे ही लोग उनको मिलते हैं। तो हम अपने आप को बचाना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि हमें बट्टी का जो पर्पज वो बताना चाह रहा था, क्योंकि भाई जी को क्लास कराना है। तो ब्राह्मण जीवन बहुत सुंदर जीवन है, पवित्र जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, महान जीवन है, प्राप्ति वाला जीवन है, सुख शांति का जीवन है, योगी जीवन है, चरित्रवान जीवन है, नर से नारायण नारी से श्री लक्ष्मी बनने का महान जीवन है। इसके बाद भी हम लोग दुखी होते रहते हैं, क्रोधित होते रहते हैं, स्वयं को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, हमारे विचारों में कंट्रोल नहीं होता, हमारे कर्म में कंट्रोल नहीं होता, भावनाओं में कंट्रोल नहीं होता, व्यर्थ में कंट्रोल नहीं होता, कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं लग पाता, फिर हम भी अज्ञानियों जैसा अपने जीवन में फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे, कभी दुख कभी सुख, कभी खुशी कभी गम, कभी कैसे कभी कैसे, ये हमारे जीवन नहीं है। हमारे जीवन में अंदर से मजबूत कुछ भी हो, हम अंदर से हिल नहीं सकते। ठीक है, तो आज ये संकल्प ले लो।